तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट एंड फायरबेस के इस वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ऑथेंटिकेशन डाल लिया था। अब हम लोग इस हमारे होम स्क्रीन में काम करेंगे, फायर स्टोर से रिलेटेड काम करेंगे। ऑल राइट, सो चलो मिलके कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो ये हम लोग आते हैं हमारे टू डू ऐप पे, बट एक करेक्शन मेरे को करना है। इसके पहले वीडियो में हम लोग एक चीज करना भूल गए कि ये जो हमारा लॉग इन है, यहाँ पे जो है इनपुट, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू भी डालना चाहिए। वैल्यू ये भी इक्वल होगी हमारे ईमेल के, एंड यहाँ पे भी वैल्यू ये भी इक्वल होगी हमारे पासवर्ड के। अब जो हमारे इनपुट्स एंड स्टेट है वो सिंक में है, ये मैं पता नहीं कैसे भूल गया, ये करेक्शन आप लोग कर लेना। ओके, साइन अप में भी सेम टू सेम वैल्यू ईमेल एंड यहाँ पे वैल्यू पासवर्ड लाइक सो। ऑल राइट, ये हो गया साइन अप लॉगिन में, तो अब हम लोग टच नहीं करेंगे। ओके यहाँ पे आते हैं। ओके सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं लॉगिन पे, एक इनपुट हम लोग को चाहिए, ये पूरा डिव कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। यस, यहाँ पे मैं भी टू डू के जगह में लिखता हूँ एड टू डू एंड उसके बाद कंट्रोल वी। पासवर्ड नहीं चाहिए एंड इसको मिनिमाइज कर दो, टाइप होगा टेक्स्ट, प्लेस होल्डर होगा एड टू डूस एंड एक यूज स्टेट होकर इंपोर्ट कर लेते हैं यहां से, यूज स्टेट एंड कॉन्स्ट, उसको नाम क्या दें, मे बी टेक्स्ट नाम दे दें, टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट। ऑलराइट, यूज स्टेट एंड ये होगा इनिशियली एम्प्टी। अब यहां पे जो है कंट्रोल सी, वैल्यू इक्वल होगी हमारे टेक्स्ट के एंड कंट्रोल सी, ओ सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी एंड ये जो सेट ईमेल है इसके जगह आएगा सेट टेक्स्ट। ये हो गया, अभी हमारे इनपुट और स्टेट दोनों सिंक में है। इसके अलावा हम लोग को एक चाहिए बटन, सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे बटन एंड इसका नाम देते हैं ऐड एंड इसको क्लास नेम देंगे हम लोग बी टी एन एंड ब्लू, लेट्स से दिस एंड लेट्स टेक अ लुक। ओके डिसेंट, बढ़िया। सो अब हम लोग फंक्शन बनाएंगे जो टू डू ऐड कर पाएगा। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट ऐड टू डू बुम 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 बुम। ओके हाँ, सो अब हम लोग को टू डू ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस करेंगे हमारा डेटाबेस, तो उसके लिए हम लोग इम्पोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एक डायरेक्टरी पीछे फायरबेस से आर डी बी। यस, अब इस डी बी से मैं एक्सेस करूंगा कलेक्शन, तो अगर कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो क्रिएट हो जाएगा। कलेक्शन का नाम क्या देंगे हम लोग, टू डूस नाम देते हैं। ओके अब इस कलेक्शन में होगा डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट की जो आईडी होगी ना वो इक्वल होगी हमारे जो यूजर है उसके यू आई डी के, तो यूजर का यू आई डी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लोग का यूजर की डिटेल्स अवेलेबल है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। डी स्ट्रक्चर कर लिया मैंने प्रॉप से यूजर, यहाँ पे हम लोगों ने डाला था ना, ये देखो यहाँ पे ऐप में ये रहा एज अ प्रॉप हम लोगों ने पास किया था ना, वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। प्रॉप्स में से यूजर डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ और इस यूजर में हमारे पास है डॉट यू आई डी लाइक सो। ओके ऑल राइट यस, अब मेरे को यहाँ पे यूज करना सेट एंड देन सेट में ऑब्जेक्ट एंड की क्या होगा, की भी मैं नाम दूंगा, की को भी मैं नाम दूंगा टू डूज एंड ये इसकी वैल्यू होगी इक्वल हमारे टेक्स्ट के, ये जो इनपुट में रखा। ओके इसमें कुछ मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैं बाद में बताऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स टेस्ट दिस। अब हम लोग आएंगे फायर स्टोर में, हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्रिएट डेटाबेस, ओके रूल्स भी लिखने पड़ेंगे। सो मैं क्या चाहता हूं, जो यूजर है खुद के टू डू से रीड एंड राइट कर पाए। सो रूल्स हम लोगों ने फायरबेस के बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट में देखा था, फायरबेस फॉर वेब वाली प्लेलिस्ट में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो पहले देख लो फिर इन सब पे आओ, क्योंकि उसमें मैंने फायरबेस के बारे में डेप्थ में पूरा फायरबेस एक्सप्लेन किया था, रूल्स वगैरह भी एक्सप्लेन किए थे। ऑलराइट, सो मैं इसमें अभी इस वीडियो में ज्यादा रूल्स के बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ओके सो अब आते हैं रूल्स पे और यहाँ पे हम लोग रूल्स लिख लेते हैं। सो इसको हटा दो। सो हमारे डेटाबेस में मैच होगी लोकेशन, कलेक्शन का नाम होगा टू डूस एंड उसके अंदर होगा
आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी, और वो इक्वल होगी हमारे यूजर आईडी के इक्वल। सो जो यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर बना रहा हूँ यूजर आईडी, एंड अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे टूडूस एंड देन यूजर की आईडी, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस हम लोग अलाउ करेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रीड, एंड रीड तभी अलाउ करेंगे जब आर रिक्वेस्ट डॉट auth डॉट यू आई डी इक्वल होगी हमारे इसके, दैट इज अगर यूजर खुद का डेटा रीड करने की कोशिश कर रहा हो तभी कर पाएगा। ठीक है, जैसे रमेश है, रमेश अपना टू डूस एंड देन यहाँ पे रमेश की आईडी, एंड अगर रमेश एक्सेस कर रहा है तो उसके रिक्वेस्ट में यू आई डी होगी। सो वो यू आई डी और जो डॉक्यूमेंट की आईडी है इक्वल होती है तो हम लोग, तो ही हम लोग अलाउ करेंगे। एंड ऑब्वियसली राइट भी हम लोग तभी अलाउ करेंगे अगर यूजर खुद का डेटा राइट करने की कोशिश कर रहा होगा, लाइक सो, एंड दिस शुड वर्क। लेट्स पब्लिश दिस, ये हो गया। ओके ठीक है, ब्यूटीफुल। ओके अभी हमेशा हमारा ये जो डेटाबेस खाली है, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एड टू डू को कॉल करते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे ऑन, इसको मिनिमाइज कर दो, ऑन क्लिक क्लिक पे एड टू डू कॉल करते हैं। लेट्स सेव दिस, एंड नाउ यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं, लेट्स से यू नो ईट, ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। हम लोग अगर हमारे इसमें जाए एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँ, सो यहाँ पे यू नो कलेक्शन क्रिएट होगा टू डूज करके, एंड देन उसके अंदर डॉक्यूमेंट आईडी होगी, यस टू डूज डॉक्यूमेंट आईडी, एंड इसके अंदर है टू डूज की, एंड देन उसकी वैल्यू है ईट के इक्वल। ओके अब मेरी बात समझो, यहाँ पे जो टू डूज है, मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे सपोज करो मैं कुछ और टू डू ऐड करता हूँ जैसे स्लीप, तो ये ओवरराइट हो जाएगा, ये जो है ना टू डूज ये ओवरराइट हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। टू डूज के अंदर एक एरे हो, उस एरे में हमारे सारे टू डू लिखे हुए हो, टू डूज जैसे कि टू डूज एंड उसके अंदर एरे हो, एरे के अंदर ईट स्लीप कोड जो भी यू नो टू डू है वो लिखा हो, तो इस तरीके से मेरे को कुछ यू नो स्टोर करनी है वैल्यूज। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट हम लोग को स्टोर नहीं करना है, एक एरे स्टोर करना है। ठीक है, उसके अंदर सारे प्रीवियस टू डूस होंगे, एंड देन मैं अपना उसमें जो नया टू डू है वो अपेंड करूंगा। जो सारे प्रीवियस टू डूस होंगे मैं उसको एक स्टेट में रखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे माई टू डूस एंड यहाँ पे सेट टू डूस करके बनाता हूँ। इनिशियली ये होगा एम्प्टी एरे। ठीक है, अगेन इसको अपडेट करेंगे। सबसे पहले अगर प्रीवियस टू डूस में कुछ रखा होगा तो उसको मैं स्प्रेड करूंगा, स्प्रेड करूंगा माय टू डूज को, एंड देन उससे मैं अपना नया टू डू अपेंड करूंगा। तो नया टू डू के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट लाइक सो, लेट्स सेव दिस, काम करेगा फॉर श्योर। फिर भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इट एड, तो अब की बार यहाँ पे एक एरे क्रिएट होना चाहिए। देखो ये अभी ये एरे क्रिएट है, जीरो एलिमेंट पर रखा हुआ इट। ठीक है, ओके अगर मैं फिर से स्टोर करूंगा तो अगेन ये ओवरराइट हो जाएगा क्योंकि अभी हमारा स्टेट जो है एम्प्टी एम्प्टी एरे है। तो सबसे पहले तो हम लोग जब ये कंपोनेंट माउंट हो रहा है उसके बाद हम लोग एक यूज इफेक्ट लगा सकते हैं। यूज इफेक्ट में हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं, सारे टू डूज गेट कर लेते हैं, स्टेट को अपडेट कर लेते हैं, ये एक अच्छी अप्रोच होगी, राइट। सो ये हम लोग करते हैं सबसे पहले यूज इफेक्ट, अरे यूज इफेक्ट बुम बुम यूज इफेक्ट, एंड इसके अंदर फंक्शन, एंड मेक श्योर करना कि यहाँ पे एज अ सेकेंड ऑप्शन एम्प्टी ये पास करना है, तो इनफिनाइट टाइम कभी कभी कॉल हो जाता है, तो एम्प्टी एरे पास करना क्योंकि हम लोग चाहते हैं कंपोनेंट माउंट होने के बाद ये फंक्शन एक ही बार कॉल हो। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हमारे उस लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, डेटाबेस में है कलेक्शन, एंड कलेक्शन में है, कलेक्शन का नाम है टू डूस, एंड देन उसके बाद मेरे को डॉक्यूमेंट, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट, एंड इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास यूजर डॉट यू आई डी है उसकी वैल्यू। ओके यहाँ पे डॉक्यूमेंट तक पहुंच गया, तो इस डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के बाद मैं इसको रख देता हूँ डॉक रेफरेंस करके कॉन्स्टेंट में। ऑल राइट, अब हम लोग इस डॉक रेफरेंस में ऑन स्नैपशॉट लगा सकते, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं रियल टाइम में चेंजेस लिसन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कोई टू डू अपडेट ऐड करता हूँ तो हमारे डॉक्यूमेंट में चेंज होगा, एंड ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ऑन स्नैपशॉट, यस, एंड वो अपडेट कर देगा स्टेट को, राइट। तो रियल टाइम में हम लोग चेंजेस लिसन कर सकते हैं। तो ऑन स्नैपशॉट एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है फंक्शन, एंड इसके अंदर रिसीव होता है डॉक,
स्नैपशॉट, डॉक्यूमेंट का स्नैपशॉट। एंड यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, सबसे पहले चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, डॉक एग्जिस्ट और डॉक स्नैप डॉट एग्जिस्ट होता है वहां के, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्ट करता होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। देखो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में एक्चुअल डेटा नहीं होता है, तो एक्चुअल डेटा पाने के लिए हम लोग डॉक स्नैप डॉट डेटा कॉल करना पड़ेगा, और इस डेटा से मेरे को कौन सी की है, हमारी टू डूज करके की एग्जिस्ट करती है, टू डूज वो एक्सेस करेंगे। ऑलराइट, एंड अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा एज में हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग नो डॉक्स। ऑलराइट, अच्छा कंसोल डॉट लॉग करने की जगह मैं ये अपडेट भी कर लेता हूँ, सेट टू डूज, एंड सेट टू डूज में हम लोग पास कर लेते हैं लाइक ये कंट्रोल सी एंड बूम बूम। ओके सो अब हम लोग मैं स्टेट दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आई गेस मेरे पास रिएक्ट का एक्सटेंशन इंस्टॉल है, उसके कारण मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल रहा है, इस कंपोनेंट्स में टू डू रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी यूआईडी ऑफ नल, अच्छा ओके ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर इफ लगा लेते हैं, इफ यूजर अवेलेबल है तो ये होगा। ऑलराइट, तो ये सब काम होगा, एल्स अगर यूजर अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे लॉग इन पेज पे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम React router DOM and something का नाम है history, use history and const history equal to use history hook and use history dot push slash login like so, ha like yeah। ओके अब हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी हम लोग को एक पुश लगाना चाहिए, अगर यूजर अवेलेबल होता है तो उसको हम लोग रिडायरेक्ट कर दें होम पेज पे। ओके बाद में लिखेंगे, अभी तो जस्ट काम हो रहा है हमारा। ओके ऑलराइट, सो अब यहाँ पे अगर मैं टू डूज दिखाऊँ, यहाँ पे अभी हमारे स्टेट में रखा हुआ है ईट, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से यू नो कोड, अभी हमारा ठीक है ऐड करता हूं, तो अब हम लोग को दिख रहा है स्टेट ईट एंड कोड दोनों आ गए हमारे में। ऑलराइट, और अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, यहाँ पे भी ईट एंड कोड दोनों आ गए। यस, ऐसी एग्जैक्टली मैं ऐसे ही चाहता था हमारे डेटाबेस में स्टोर हो। यस या ओके अच्छा, जब भी हम लोग ये यूज करते हैं तो ये रिटर्न करता है हम लोग को एक अनसब्सक्राइब फंक्शन, जिसको हम लोग कॉल कर सकते हैं इसको यू नो अनरजिस्टर करने के लिए। जैसे हम लोग इस कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट में नेविगेट करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं ऑब्वियसली ये बैकग्राउंड में ना चले, तो इसलिए इसको हम लोग अनरजिस्टर कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब ये रिटर्न करता है अनसब्सक्राइब फंक्शन। इसको हम लोग जब रिटर्न यूज इफेक्ट, हम लोग जो रिटर्न करवाते हैं ना फंक्शन, वो जब कंपोनेंट अनमाउंट होने वाला होता है तब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। यहाँ पे यूज सब्सक्राइब ये जो है कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल सी रिटर्न में लगा लेते हैं। क्लीन अप कोड है, ऑप्शनल है बट बेटर है, लगाना चाहिए। ऑल राइट, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, देखते हैं तो कॉल हो रहा है कि नहीं, ये अनसब्सक्राइब हो रहा होगा मेरे ख्याल से, अनसब्सक्राइब इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये इसी स्कोप में वार लगाऊं एक बार, ओके हो गया, वार लगाने से हो गया। सो अगर मैं किसी नेविगेट करता हूँ तो एरर नहीं आना चाहिए, अगर सपोज यू नो मैं अगर लॉगिन में नेविगेट करता हूँ तो ये कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा, एरर नहीं आना चाहिए करके अनसब्सक्राइब इज नॉट डिपेंड। ओके नहीं आ रहा है, मतलब सही है। ओके ऑल राइट, सो ये हो गया। अब हम लोग को डिलीट करना है टू डूज, और सबसे पहले शो करना है टू डूज। ओके शो नहीं हो रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग आएंगे कलेक्शंस में, एंड यहाँ पे ये कॉपी करेंगे कंट्रोल सी
कंट्रोल सी एंड यहाँ पे बटन के नीचे कंट्रोल वी, ऑल राइट। एंड यहाँ पे हम लोग इटरेट कर सकते हैं, अरे कंट्रोल जेड, हमारा जो एरे है इसमें इटरेट कर सकते हैं माय रिड्यूस में। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय टूडूस डॉट मैप, एंड इस मैप के अंदर हम लोग को इंडिविजुअल टू डू रिसीव होगा टू डू। एंड अब हम लोग ये जो है सबसे पहले क्लास के जगह क्लास नेम लिख दो इसको, इतना सब कंट्रोल एक्स, यहाँ पे रिटर्न लगाना पड़ेगा, रिटर्न कंट्रोल वी। ओके अब ये सब को हम लोग हटा सकते हैं, ऑल राइट हटा दो क्लास नेम, एंड यहाँ पे ये एलविन के जगह पे टू डू। लेट्स सेव दिस एंड नाउ ये हम लोग को यहाँ पे दिखने चाहिए। ओके ईट कोड दिख रहा है, ब्यूटीफुल। अच्छा मैं चाहता हूँ एक अच्छा यूनिक की देने बोल रहा है। ओके तो अभी के लिए हम लोग अगेन वार्निंग ऑप्शनल है इस वार्निंग को सॉल्व करना, बट की दे देते हैं और की की भी वैल्यू इक्वल होगी हमारे टू डू के इक्वल। ओके ऑल राइट वार्निंग से बचने के लिए हट जाएगा वार्निंग। ओके सो एक डिलीट का बटन डाल लेते हैं, तो बटन तो हम लोग उसके लिए एक आइकॉन डालेंगे। सो यहाँ पे हम लोग आइकॉन्स हैं ना हमारे पास, ओके आइकॉन्स हैं उसके लिए कॉपी करते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। लेट्स सेव दिस, क्लोज इट टू डू एंड आइकॉन कहाँ डालेंगे, इसको नया लाइन पे लिखते हैं। तो ओके यहाँ पे डिलीट लिख सकते हैं, डिलीट करके आइकॉन होगा है ना, कंट्रोल कंट्रोल एफ, हाँ है ये रहा डिलीट। ओके ऑल राइट सो कंट्रोल वी डिलीट, क्लास नेम हम लोग लिखेंगे एंड लेट्स सेव दिस एंड क्या हो गया, अनसब्सक्राइब इज नॉट अ फंक्शन, इस इशू को बाद में सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है ये डिलीट। ओके ठीक है अब हम लोग यहाँ पे क्लास नेम में देता हूँ मैं आई गेस राइट, तो राइट में अलाइन हो जाना चाहिए। ओके हो रहा है ठीक है, एज ऑफ नाउ दिस इज ब्यूटीफुल। अगर हम लोग चाहें तो इसको एक कंटेनर दे सकते हैं पूरे डिव को, या अब मच बेटर मच बेटर। ओके अब अगर मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूं तो ट्रू डिलीट होना चाहिए। अब ये देखो वैसे तो डिलीट करना फायरबेस में बहुत आसान होता है, हम लोग को सिर्फ एक डिलीट मेथड कॉल करना हो तो उस डिलीट मेथड में हम लोग को सिर्फ डॉक्यूमेंट आईडी पास करनी होती है जो डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, बट हमारे केस में एक्चुअल में हम लोग को डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं करना है, हम लोग को इसके अंदर जो एरे है उसका एक इंडिविजुअल वो डिलीट करना आइटम। सो ये थोड़ा मुश्किल है, बेसिकली अपडेट करना है हम लोग को। सो ये कैसे करेंगे ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट डिलीट टू डू बुम बुम बुम, एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जो टू डू हम लोग को डिलीट करना है, तो टू डू उसका नाम देते हैं हम लोग डिलीट टू डू। ऑल राइट सो ओके अब सबसे पहले तो हम लोग को इस लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके इस लोकेशन तक पहुंचने के बाद मेरे को सारे ये जो है टू डूज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट रेफरेंस डॉट गेट लिखूंगा। ओके ऑल राइट अब ये मेरे को रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तो मैं देन क्लच यहाँ एसिंक का वेट यूज कर सकता हूँ, डॉट देन लिख लेते हैं डॉट देन। अब इसके अंदर मिलेगा मेरे को डॉक्यूमेंट स्नैप डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। सो उस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में से मेरे को डेटा चाहिए एक्चुअल, तो उसके लिए मैं डेटा मेथड कॉल करूंगा। उस डेटा में हमारे पास है टू डू टू डूज
है ना, टू डूज नाम था ना की का, ओके टू डूज, ओके। तो ये बेसिकली अब क्या है, ये एक एरे है, तो इस एरे में से मैं फिल्टर कर सकता हूँ एलिमेंट्स, ओके। सो इस एरे में मैं मैप लगा सकता हूँ और यहाँ फिल्टर भी लगा सकता हूँ, हम लोग को डिलीट करना है तो हम लोग फिल्टर लगाएंगे, ओके। सो हम लोग कुछ एलिमेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे। तो अब हमारे पास इस फिल्टर में एक एक करके ये आए, एक एक बार ईट आएगा, एक बार कोड आएगा फिल्टर में। सो इंडिविजुअल टू डूस हमारे इस फिल्टर में आएंगे, ठीक है, टू डू। सो अब हम लोग फिल्टर कर सकते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो हम लोग फिल्टर करेंगे मे बी जब टू डू, जो टू डू है वो नॉट इक्वल होगा डेली टू डू के, टू डू के, ओके। सो ये मैंने क्या लिखा, ओके। सो देखो सपोज करो मेरे को डिलीट करना है कोड, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे फिल्टर में टू डू में आया टू डू, ओके, ये टू डू है और एक डिलीट टू डू है, ठीक है, ठीक है। सो फिल्टर में टू डू में आया सबसे पहले ईट, ठीक है, और देखा ईट और जो मेरे को डिलीट करना है कोड इक्वल नहीं है, तो ईट रिटर्न हो गया। एंड देन सेकेंड बारी देखा टू डू में आया कोड और कोड यही मेरे को डिलीट करना था, कोड और डिलीट कोड दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो रिटर्न नहीं हुआ। सो ये फिल्टर आउट हो गया, क्या कोड फिल्टर आउट हो गया कोड, यस। सो अगर डिलीट टू डू, टू डू डिलीट टू डू और टू डू इक्वल नहीं होंगे तो रिटर्न हो जाएगा, एल्स फिल्टर हो जाएंगे, ओके। सो ये हम लोग यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए, ऑलराइट। अब हम लोग हमारा जो डॉक्यूमेंट रेफरेंस है उसको अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रेफरेंस है, इसमें हम लोग डॉट अपडेट लगा सकते हैं, अपडेट। एंड अपडेट जो हम लोग करेंगे अगेन अपडेट के अंदर ऑब्जेक्ट, एंड मेरे को टू डूज की पूरी अपडेट करनी है, एंड इसकी जो वैल्यू होगी अगेन ये हम लोग एक नया एरे रिटर्न करेगा, तो उसको हम लोग रख देते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट में, एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी रिजल्ट, ये जो टू डूज है इक्वल हो जाएगा रिजल्ट के, एंड दिस शुड वर्क, ओके। डिलीट टू डू को कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक लगा लेते हैं, एंड कंट्रोल वी, एंड इसके अंदर हम लोग पास करेंगे टू डू ऐसा, ऑलराइट। लेट्स सेव दिस नाउ। अब अगर मैं क्लिक करूं यहां पे सपोज कोड पे तो डिलीट हो गया, ओके। सपोज कुछ और ऐड करते हैं, ओके, कुछ और ऐड करते हैं, ओके। अब सपोज करो मेरे को स्लीप डिलीट करना है, ओके, हो रहा है एकदम जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही एग्जैक्टली काम कर रही हैं चीजें, ओके, यस। सो अब हमारा एक एरर था आई गेस अनसब्सक्राइब को लेकर, सो हम लोग क्या करते हैं ऊपर में यहाँ पे एक बना लेते हैं अनसब्सक्राइब फंक्शन, लेट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इनिशियली ये होगा एम्प्टी, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे इसको रीइनिशियलाइज करेंगे, ऑल राइट। अब ये हमेशा हर केस में एग्जिस्ट करेगा ये अनसब्सक्राइब, ओके, ऑल राइट। ये एरर सॉल्व हो जाएगा इससे, या लाइक दिस इज गुड। वैसे इसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्या, हाँ इसको भी कर सकते हैं, हाँ इसको भी करना चाहिए, ये भी रिटर्न करते हैं अनसब्सक्राइब। सो कॉन्स्ट राइट, ओ पैरेंथेसिस, ठीक है। सो ये अगर मैं लॉग आउट हो जाऊं, सो ठीक है, लॉग इन साइन अप, एंड फिर से अगर लॉग इन करूं abc@abc.com, इस बार नया यूजर साइन अप करते हैं, ram@ram.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, साइन अप, एंड ये टू डूज पे आ गया। राम ने अभी कुछ टू डूज क्रिएट नहीं किए हैं इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है,
ईट ईट हो गया, ओके ट्रैवल ओके। अब अगर हम लोग डेटाबेस में जाए तो दो अप टू डूज के अंदर हमारे दो है, एक है राम का और एक है एबीसी वाले का। ओके सो या दिस इज इट फॉर द वीडियो। हम लोग को जो फंक्शनैलिटी डालनी थी वो हम लोगों ने डाल ली है। सो मिलता हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में।